हमारी क्या चिकन सजी है? सजी और खबी होने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ, जिंदाबाद हूँ। तो जी व्लॉग मेरा, आई नो अगेन मैंने कल्टी मार दी, पलटी मार दी और मैंने गोलियाँ कराई हैं। बेसिकली मैंने गोलियाँ कराई हैं। मैंने क्यों कराई हैं जी? मैं थोड़ी सी थी बिज़ी, जैसा कि आप सबको पता है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, इस तरह से ये है वो है ब्ला ब्ला, हमेशा की तरह पे कोई लेम एक्सक्यूज़ लेकर आती हूँ। इस दफ़ा भी लेकर आई हूँ, वो ये है कि मैं बिज़ी थी। कुछ भी तो मैं बिज़ी थी, तो इस वजह से व्लॉगिंग बनाई थी, व्लॉग कर रही थी मैं, लिटरली आई वॉज व्लॉगिंग, व्लॉग कर रही थी, लेकिन वो एनर्जी कहीं मिसिंग थी। कभी लगता था नहीं अभी ये नहीं अपलोड करना, अभी ये कर लूँगी वो कर लूँगी ब्ला 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 एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें बड़ी मेरे पे कुछ कन्फ्यूजन से चल रहे थे, जो अभी भी थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अब कंट्रोल में। जी गल ये है कि थोड़ा सा ज़रा आउट ऑफ माइंड हो गई थी, आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी, लिटरली आई वॉज थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी। तो ये बात गलत है। मामा ने कहा मैंने बेटा तुम्हें परमिशन इसलिए नहीं दी थी कि तुम ये काम ही छोड़ दो, इसको स्किप कर दो, इसको टाइम ना दो, तो वाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन योर टारगेट, क्यों नहीं काम कर रही तुम्हें? अगर नहीं करना तो छोड़ दो, आज के बाद मैं तुम्हें व्लॉग बनाने का बिल्कुल नहीं कहूँगी और ना ही मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। मम्मा मुझसे बहुत नाराज़ है यार, उनको मनाना है, सीरियसली मनाना है, मम्मा को, सोनाक्षी को मनाना है, ठीक है। इस दफ़ा मम्मा यार बड़ा नाराज़ हुई है, मैं कहती हूँ लेवल का नाराज़ हुई है, और मैं मनाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कर लूँगी, क्योंकि मम्मा बहुत कम नाराज़ होती हैं, मैं नाराज़ होने का मौका ही नहीं देती, लेकिन इस दफ़ा मैंने मौका दे दिया, गई मैं, ख़त्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। इस दफ़ा मैं मतलब मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा सा मामा को बनाना, तो मनाने का तरीका यही है कि डेली व्लॉगिंग करूँगी, फिर मामा मुझ पर खुश होंगी कि बेटा मैं तुम्हारी वजह से प्राउड फील करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ तो सब फील करते हैं, मुझे बताते हैं कि माशाल्लाह आपकी बेटी इतना अच्छे व्लॉगिंग कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, बड़े बड़े काम कर रही है, तो सब कहते हैं आपकी बेटी बड़ा नाम करेगी, तो बेटी ऐसा काम करेगी, लेकिन बेटी काम ही नहीं कर रही नाम करने वाली नहीं कर रही, तो ये ज़रा थोड़ी सी नाराज़गी है, उसको दूर करना है आज से पक्की डेली व्लॉगिंग, पक्का वादा। तो ये सारी बस सुस्ती थी और कोई बात नहीं है, सुस्ती थी थोड़ी सी, कुछ मेरा ज़रा जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा मेरा मज़ेदार जा रहा था, फ्रेंड्स के साथ चिल कर रही थी, ज़रा बातें शांति कर रही थी और उनको टाइम दे रही थी, कोई दुखी है, कोई क्या है, कोई क्या है, तो मैं बड़ी उनकी संदीप महेश्वरी बनी हुई हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी हुई हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ, इन्फ्लुएंस करती हूँ, तो यार अच्छी बात है, ये भी तो अच्छी बात है ना, अपने फ्रेंड्स को कोई हौसला देना कि रुको ज़रा सब्र करो इस तरह से। तो मैं तो बेसिकली मैं बनी हुई थी इन्फ्लुएंसर, सबको इंस्पिरेशनल वीडियोस, बड़ी मैं संदीप महेश्वरी, तो ये सब मेरा चल रहा था, तो अब मैं इजी हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, चलो मेरे बच्चों निकलो शाबाश, नीवे नीवे होके निकलो, चलो शाबाश, तो ये सारा सीन है। तो आगे से अब कोशिश होगी कि यार ऐसे नहीं करना, लिटरली मुझे खुद बुरा लग रहा है कि मैं ये क्या कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, तो डेली व्लॉग्स आएंगे, नया नया मज़ेदार कंटेंट लेकर आऊँगी, बल्कि अभी शूट करती हूँ, अभी मेरी एनर्जी अच्छी है, तो अभी शूट करती हूँ, तो वीडियो YouTube शॉर्ट्स पर आप मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स देखेंगे, Instagram पर रील्स देखेंगे, TikTok देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, मज़े के कंटेंट पक्का, अब भी बनाऊंगी, कसम अल्लाह की कसम मैं भी बनाऊंगी, अभी बना के तो मैं फिर इंशाल्लाह फिर आपको बताती रहूँगी कि इतने बजे मैं अपलोड कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, तो दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से। ओह
मजेदार। ये नीनी ने कड़ी बनाई है और इसके साथ नीनी स्पेशल चटनी, मजेदार लेवल वाली। ये मुझसे नहीं बनती है, चावल भी दिखा देती है। और ये हमारे गरम गरम चावल, मजेदार। बहुत मजे की बनी, अभी टेस्ट किया बहुत मजे। इधर चल रहा है PSL, इधर खाना चल रहा है। जिसको हम कहते हैं कि बच्चे जब तंग करते हैं, ये वो जगह तो नहीं जहाँ बेटा तजुली बाग आया है, ये वो नहीं जगह। जब हम हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं ना बच्चों को तो तंग करते हैं, तो हम कहते हैं बेटा तजुली बाग आया है, ये वो वाला बाग है। आज मेरे जिंदगी में पहली दफ़ा देखा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या। अच्छा यहाँ पे बैठे हमने, हाँ बैठे। ओ तेरी खैर, इधर बैठा। ओके लेट्स गो। भाई ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। हेलो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम बोल रहे थे बोर बहुत दिनों से, तो मामा कहती कुछ डिफरेंट ब्लॉग बनाते हैं, कहीं चलते हैं। ये भूत बंगला, भूत बंगला मामा अपने वैसे आप डिस्प्ले कर लो चैनल की और डेट से। यार कितनी खड़क रही है भाई ट्रेन, ट्रेन खड़क सी है ट्रेन। गुरुद्वारा है वहाँ डेरा सा। जैसे शाही किला वो वाली जगह ना, वो वहाँ जहाँ पे वो शूट हुआ था, दराना वो वाली साइड थी, वो तो पापा था। वाओ आई ये किला तो नहीं, किला कितना बड़ा है यार, कोई ना कोई आ जाता है बीच में। किला वजह हम कौन सी साइड पे जा रहे हैं? इधर से मस्जिद की साइड, वहाँ से एंटर है, वहाँ से वो ओके क्या कहते हैं इधर है ये सारा दरीन में उधर ओका। तो सामने क्या है? सामने अच्छा मस्जिद है ये किला। ओके शाही मस्जिद का बाहर का बाग ये, हाँ उसके
माइंड से निकल गया सुनता था यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है अच्छा बादशाही मॉस्क आई हूँ मैं मुझे पता नहीं था लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ अभी आना है क्योंकि हम किसी और जगह जा रहे थे तो यहाँ पे आए हैं बाकी मैंने क्या कहना था मैं बोल गई हाँ हम शाही मस्जिद के पास आए हैं बहुत खूबसूरत बादशाही बहुत बड़ी लाहौर की सबसे बेस्ट और सबसे खूबसूरत बादशाही मॉस्क और ये इतनी बड़ी है ना यार सीरियसली मैं बचपन में गई थी बचपन में आई थी एक दफ़ा मामा भी बचपन के आई है मैं सलाम करना भूल गया सलाम तो हम लोग आए थे बचपन में आई डोंट नो मैं हिस्ट्री भूल गई सारी बेटा सब भूल गई हैं पढ़ के है। पढ़ लिख के खूह में डाल दिया खूह किस में डाल दिया ये सब यहाँ पे डाल दिया बाहर क्या हो रहा है यहाँ पे दुनिया के चले गुजरते हैं अब आप चलो चलो थैंक यू तस्वीर बना लो उसके बाद वो आगे पर्दा लगा था बेडिंग बना लो तस्वीर बनाई जो गेट क्लियर करते हैं तो बेटा गेट क्लियर करो हाँ ओके ये दुनिया का ना चौथे नंबर पे बड़ा मेहराब है जहाँ पे नमाज अदा की जाती Such a beauty, beauty, beauty. How beautiful it looks like this around that time. MashaAllah. Are you enjoying it? मैं बचपन में देखा था ये सब कुछ मेरे दिल में आ रहा है वो अनारकली वाला ऐसे सारी ऐसे घूम रही है मेरे माइंड में वो चल मुगलाई माहौल ना मतलब मुगलाई टाइप कोई कल्चर होता है ना वो मैं समझी रॉयल जी
हम बादशाह मॉस्क के बाद आ चुके हैं फूड स्ट्रीट पे, जो जल्दी से आ गए। वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, टॉप फ्लोर है, तो मेरा दिल चाह नहीं रहा अभी सीढ़ियाँ छिड़ियाँ चढ़ने को, तो खाना खाना ऑर्डर करते हैं। ये हमारी क्या चिकन सब्जी है, सब्जी और खबी होने लगी अटैक। एक ही सपना चले राह में जल गए, मैं कहती हूँ दोनों ही चीज़ें ब्यूटीफुल वंडरफुल। हवेली चल आएंगे नेक्स्ट टाइम, आएंगे नेक्स्ट टाइम आएंगे, अब खाना खा लिया तो थैंक यू। क्या है कड़क चाय, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा चाय पीने को, हालांकि चाय को ना नहीं कहते, किधर भी कुछ चल रहा हूँ। अच्छा अल्लाह इज़ स्ट्रॉन्ग।
इस तरह से यहाँ पे मतलब ये इसके साथ आउटफिट्स भी नहीं है और इधर ये रेस्टोरेंट है। अच्छा यहाँ पे आ जाते भला, चलो अब तो कर लिया डिनर, अब तो कर लिया डिनर, अब क्या करें, अब डिनर कर लिया, अब चलते हैं इधर से। शाही बावर्ची खाना, नाइस यार, वी विल कम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ अगर ये शेर साहब हैं और शेर हमें कोई शेर नहीं सुनाएंगे इसलिए लड़ सकते। खाना हमने खा लिया और बस ओके साहब, ओके ओके अब चलते हैं घर, ठीक है। तो मैं सोचूँ मैं वीडियो को यहाँ पे, ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देती हूँ, तो कल मिलती हूँ इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड।